मज़ेदार बात यह है कि कई हिंदू बच्चों ने कुरान पढ़ा और कई मुस्लिम बच्चों ने भगवद गीता पढ़ी। 100 एकड़ में आपकी यूनिवर्सिटी है, इसको एग्जीक्यूट करने में आपको किस तरह की चुनौतियाँ झेलनी पड़ी? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जापान के सम्राट को वह भगवद गीता दी, इतनी महत्वपूर्ण किताबों को हमने अपने सिलेबस में शामिल कर दिया। नहीं, मैंने नौकरी नहीं की कभी। मैं एक इंटरव्यू देने गया था, उसमें मैं फेल हो गया था। फिर मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं AKS यूनिवर्सिटी के चेयरमैन इंजीनियर अनंत सोनी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारा। नमस्कार। इंजीनियर अनंत सोनी जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने कंप्यूटर के एक छोटे से इंस्टीट्यूट से आज 100 एकड़ पर खुद की यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी है। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके कैरियर की शुरुआत कैसे हुई और तब उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था। कैसा रहा सर शुरू से लेकर अभी तक का सफ़र, आप बताएं। हम बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। यहाँ पास में सतना के पास एक सत्री गांव है जो माधवगढ़ के पास पड़ता है, वहाँ के हम लोग रहने वाले हैं। मेरे फादर शासकीय सेवा से निवृत्त हुए हैं और वह सर्किल ऑर्गेनाइज़र फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पर थे और बेहद ईमानदार अफसर माने जाते थे। तो ऐसा कुछ हमारे पास में फाइनेंशियल बैकग्राउंड और कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यदि इच्छा शक्ति हो तो आदमी कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। यह बात हमने भी अपने जहन में बैठाई थी और हमने अपनी पढ़ाई के दौरान ही, एक्चुअली होता यह है कि जब एक एक सीढ़ी आप अच्छे से मजबूती से रखते हुए चलते हैं तो वह धीरे धीरे आपको मंजिल की तरफ पहुंचा देती है, और यह सीढ़ी अचानक नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत आपको शुरू से करनी पड़ती है। तो जब हम शुरू में पढ़ते थे तब हम अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते थे। यद्यपि मैं छात्र रहा हूँ मैथमेटिक्स का, और फिर आगे चल करके हमने नौगांव पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग किया। वहाँ मेरी मुलाकात मेरे गुरुजी जो मुझे पढ़ाते थे, श्री आर के मोदी जी, वो कंप्यूटर साइंस का एक पेपर पढ़ाते थे और उस समय एक बहुत बेसिक पेपर हुआ करता था, उसका नाम था GW बेसिक, एक लैंग्वेज थी। तो वह सब्जेक्ट वो पढ़ाते थे और उनके नॉलेज को देख करके हम किसी बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम लोग उनके सामने खड़े हो पाएँ। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। श्री आर के मोदी जी वो एक सॉफ्टवेयर बना रहे थे और वह सॉफ्टवेयर कंट्री का पहला हिंदी का सॉफ्टवेयर था जिसमें आपके गुरु जी सॉफ्टवेयर बनाते थे जी। उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसमें कुछ टाइपिंग का काम था, जो हिंदी टाइपिंग का वर्क था। वो टाइपिंग की शुरुआत ही मेरे जीवन की बेसिक शुरुआत थी। कंप्यूटर फील्ड में आना और इस क्षेत्र में पहुंचना, ये एक बड़ा अनायास और बड़ा दुर्लभ संयोग था जो मेरे और मेरे गुरुजी के बीच में स्थापित हुआ। आपने कभी पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं की? नहीं, मैंने नौकरी नहीं की कभी। मैं एक इंटरव्यू देने गया था, उसमें मैं फेल हो गया था, और मैं गया था ऑप्टेल कंपनी एक थी, उस समय वो टीवी बनाती थी, तो उस इंटरव्यू में मैं फ़ेल हो गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा और ना कहीं अप्लाई करूंगा। वो मेरा पहला और अंतिम एप्लीकेशन थी, उसके बाद मैंने कहीं कभी अप्लाई नहीं किया। और फिर मैं मोदी जी के साथ लगा रहा हमेशा और उनके कदम चिन्हों में चलते हुए, उनको आदर्श मानते हुए हमने बहुत सारा काम किया। धीरे 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 करके आगे चल के हमने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया बुरहानपुर में, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिज़नेस में आए, फिर धीरे से हमने सतना में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया और उसमें 2 कंप्यूटर से स्टार्ट किया, स्क्रीन प्रिंटिंग का भी काम करते थे। 2 कंप्यूटर से आपने करियर की शुरुआत की? जी जी। और 96 में हमने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय है वहाँ से एक एफिलिएशन लिया PGDCA का, और PGDCA कोर्स स्टार्ट किया। देन 97 में कंट्री में पहली बार BCA कोर्स लॉन्च हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में पहला विश्वविद्यालय जहाँ से कि BCA कोर्स प्रारंभ हुआ, और 5 जगह चालू हुआ जिसमें एक सतना था। वह हमारे लिए एक ब्रेक थ्रू हुआ, तो उसमें बच्चे
यद्यपि एक बड़ा भारी चैलेंज था कि आपने एक नई डिग्री को इस्टेब्लिश करना है और 3 ईयर्स का बैचलर प्रोग्राम है और कंट्री का पहला प्रोग्राम है, तो लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता था। लेकिन पहले साल ही लगभग 60 स्टूडेंट्स ने उसमें एडमिशन लिया था, सीट भर गई थी, और वो धीरे 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 करके आज ऐसा स्थापित हुआ कि आप कोई भी विश्वविद्यालय उठा के देख लीजिए, उसमें BCA कोर्स मिल जाएगा। ये बात है 97 की जब हमने शुरुआत की थी, और ये बड़ा प्राउड का विषय है कि कंट्री में जो पहली बार BCA चालू करने वाले लोग थे उसमें 5 लोगों में एक हम थे। सर, आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से शुरुआत किए, आज आप 100 एकड़ में आपकी यूनिवर्सिटी है, इसको एग्जीक्यूट करने में आपको किस तरह की चुनौतियाँ झेलनी पड़ी? सबसे बड़ी चुनौती तो फाइनेंस थी, जिसको कि हम लोगों के पास में तो 2 कंप्यूटर से स्टार्ट किया हुआ संस्थान था, राजीव गांधी कॉलेज, लेकिन एक इच्छा शक्ति थी कि नहीं, हम धीरे धीरे करके हमने कई कॉलेज इस्टेब्लिश किए थे, उसमें एक राजीव गांधी कॉलेज है जो APS यूनिवर्सिटी से हैं, एक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी है जो राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से था, तो कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ में काम करते हुए एक बात ये समझ में आई कि नहीं, यदि बच्चों का भला करना हो तो कई नियम ऐसे हैं जो अनावश्यक हैं और जिसके कारण बच्चे बहुत परेशान होते हैं। चूँकि हमने यूनिवर्सिटीज़ में रहते हुए, यद्यपि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय इस मामले में बहुत प्रोग्रेसिव विश्वविद्यालय था, वह बच्चों के हित में बहुत सारे निर्णय लेते थे वो, लेकिन फिर भी सरकारी तंत्र कहीं ना कहीं आड़े आता ही है। तो ये बात आई 2007 में जब मध्य प्रदेश में प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन बना और मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए एक एक्ट बनाया गया, तो हमारे भी विचार में भी आया कि भाई क्यों ना हम लोग एक विश्वविद्यालय बनाएं, और वह विश्वविद्यालय बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए जो हमको रेगुलेटरी सिस्टम में दिक्कतें आती हैं वह विश्वविद्यालय के तौर पे हम बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक विचार था, उसके आधार पर हमने काम चालू किया और उसको करते करते 3-4 साल लग गए धीरे 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 करते हुए, और 2010 में हमको लेटर ऑफ इंटेंट जारी हुआ मध्य प्रदेश शासन की तरफ से, 2011 में विश्वविद्यालय फॉर्मली स्टार्ट हो पाया, और 2012 से क्लासेस स्टार्ट हुई, नोटिफिकेशन 2011 31 दिसंबर को हुआ, 2012 से क्लासेस स्टार्ट हो पाई, तो इस तरह से चलता रहा। सर, अभी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है और कितने राज्यों से स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आ रहे हैं? लगभग 16 राज्यों से हैं, मध्य प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट से हैं, नेपाल से हैं, इवन अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हैं, इस तरह से कुल मिलाकर लगभग 8,200 समथिंग स्टूडेंट्स हैं इस समय, जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जो हमने यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया था उस समय 1200 छात्र थे, अब वो धीरे धीरे प्रोग्रेस की ओर चल रहे हैं। सर, आपने अपनी यूनिवर्सिटी पे ऐसे कौन से नवाचार किए हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी को दूसरे यूनिवर्सिटी से अलग बनाती है? विश्वविद्यालय में हमेशा नवाचार का स्थान बना रहता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, यद्यपि यह हमारे लिए और सबके लिए बहुत मायने रखती है, किसी भी विश्वविद्यालय में एक डिपार्टमेंट होना स्पिरिचुअलिटी डिपार्टमेंट, वो एक सेकुलरिज्म और उसके बीच में फंस जाता है, लोग उसको बड़ा भाव से देखते हैं कि इसका भगवाकरण हो रहा है, कि इसका सेकुलरिज्म हो रहा है, कि वट एवर, लेकिन हमने अपने विश्वविद्यालय में इसका प्रयोग किया और हमने अपने विश्वविद्यालय में एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअल स्टडीज़, उसमें उसके तहत हमारे यहाँ के प्रत्येक बच्चे को भगवद गीता, कुरान, बाइबल, जो वो सब्जेक्ट लेना चाहे वह लेकर के पढ़ सकता है, और एक सब्जेक्ट उसको लेना अनिवार्य है। मज़ेदार बात यह है कि कई हिंदू बच्चों ने कुरान पढ़ा और कई मुस्लिम बच्चों ने भगवद गीता पढ़ी, अपने अपने थॉट है कि हम क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, लेकिन जब दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आए तो उनका कहना था कि साहब जो ये किताब कहती है लगभग वही किताब ये कहती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग अलग अलग दृष्टि से धर्मों को न देख करके हम व्यक्ति के हिसाब से देखते हैं, और इस धार्मिक किताबों को जो 5,000 साल से 10,000 साल से अनचेंज्ड हैं, हम कहते हैं फिजिक्स में बहुत सारा चेंजेस होता रहता है, मैथमेटिक्स में बहुत सारा चेंज है, साइंस में बहुत सारा चेंज है, लेकिन वह किताब जो जीवन दर्शन दिखाती है भगवद गीता,
जो जीवन दर्शन दिखाती है वो उस किताब के बारे में हम स्टडी ना करें, और यदि हम इसको स्टडी करते हैं तो हम उसका भगवाकरण कर देते हैं या हम उसके खिलाफ सेकुलरिज्म हो जाते हैं, वट एवर, क्यों ना करें। और उसको पढ़ने के बाद में जिस किताब को गांधी जी हमेशा लेकर के चलते थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जापान के सम्राट को वह भगवद गीता दी, इतनी महत्वपूर्ण किताबों को हमने अपने सिलेबस में शामिल कर दिया और उसका परिणाम देखा हमने बच्चों में, बहुत सारा परिवर्तन उसमें दिखता है कि जो जीवन दर्शन की किताबें हैं वह यदि उसने पढ़ लिया है, जो 5000 साल से बिल्कुल अनचेंज्ड हैं, जो जीवन मूल्य तब थे वही जीवन मूल्य आ रहे हैं, वही जीवन मूल्य आगे भी रहने हैं, तो वह इन सब चीज़ों की स्टडी होनी बहुत ज़रूरी है। और यह हिंदुस्तान का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय है जहाँ पर भगवद गीता कंपल्सरी सब्जेक्ट है। आपको क्या लगता है कि सरकार को तकनीकी शिक्षा पे किसी भी तरह की सुधार करने की आवश्यकता है? क्या आप महसूस करते हैं ऐसी कोई की? नहीं, बहुत सुधार तो हमेशा किया जाना चाहिए। हम अपने विश्वविद्यालय में लगभग हर साल दो साल में सिलेबस बदलते हैं, और लेटेस्ट जो ट्रेंड है या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं उसको हम अडॉप्ट करते हैं। तो विश्वविद्यालय तो प्रयोग स्थल ही है और हायर एजुकेशन का प्रयोग स्थल है, तो आपको उसमें हमेशा परिवर्तन तो करते ही रहना पड़ेगा, अन्यथा सरकारी विश्वविद्यालयों जैसा हाल हो जाएगा कि जहां 10-10 साल से सिलेबस बदला नहीं किया, और उसका खामियाजा फिर स्टूडेंट्स भुगतता है कि वो 10 साल पुरानी चीज़ें पढ़ करके आज के परिप्रेक्ष्य में काम करने जाता है। सर, बहुत से स्टूडेंट पढ़ाई करने के बाद सोचते हैं कि हम नौकरी ना करें, वो शिक्षा के क्षेत्र पे काम करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी उनकी होती हैं कि वो अपने लक्ष्य तक पहुँच नहीं पाते। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्क। सक्सेस के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हमेशा एक एक ईंट से ही इमारत खड़ी होती है। तो हम जब एक एक क्लास में होते हैं तो उस क्लास की एक यूनिट होती है, एक किताब, एक सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट की भी एक यूनिट होती है जो उसका सिलेबस है, वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटा होता है, अलग अलग टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में। जब वह सब चीज़ें हम समझते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, तो हमारी एक सब्जेक्ट पूरा होता है, फिर एक क्लास पूरी होती है, फिर एक ईयर पूरा होता है, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए जाता है। तो हमेशा अपने जो भी सब्जेक्ट आपके क्लास में हैं उसको बेहतर तरीके से पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। कौन से सब्जेक्ट का कहाँ पर उपयोग होगा और कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक आपका कैरियर बन जाएगा, वी डोंट नो। आपने भी पढ़ाई की है, आपने जर्नलिज्म पढ़ा होगा और उस जर्नलिज्म में बहुत सारी जर्नलिज्म पढ़ी होगी, और आपने एक उसमें पढ़ा होगा वेब जर्नलिज्म, आज आपका कैरियर वेब जर्नलिज्म पे है, तो जबकि वो हो सकता है कि एक पेपर रहा हो पूरे इंटायर पढ़ाई के दौरान, सिर्फ एक पेपर रहा हो लेकिन वो कैरियर बन गया। तो इसी तरह से मेरा ये संदेश है बच्चों के लिए कि जो भी आपको पढ़ने के लिए मिला है उसको बेहतर तरीके से पढ़िए, हर सब्जेक्ट को पढ़िए, हर टॉपिक को पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, उसका फ़ायदा मिलता है। मैं भी आज उसका फ़ायदा उठाता हूँ, मुझे कोई बेवकूफ़ अपने सब्जेक्ट्स में नहीं बना पाता। आप अपने कंप्यूटर संस्थान और अपने यूनिवर्सिटी पर शिक्षा को लेकर आपने क्या नए प्रयोग किए? बहुत सारे नए प्रयोग हैं। एक्चुअली सबसे पहला तो हमारा फोकस ये रहा है कि हमेशा विश्वविद्यालय को इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जाए, और ये बड़ा प्राउडली मैं कहना चाहता हूँ कि AKS विश्वविद्यालय हिंदुस्तान के उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में हैं जहाँ के छात्रों को इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है। सीमेंट टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ एक कोर्स है जो BTech इन सीमेंट टेक्नोलॉजी है, पूरे हिंदुस्तान में इकलौती यूनिवर्सिटी है AKS विश्वविद्यालय, जहाँ पर इतनी बड़ी रिस्क कोई विश्वविद्यालय लेता नहीं कि स्पेसिफिक प्रोग्राम स्टार्ट करे। हमने एक स्पेसिफिक प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि वो है सीमेंट टेक्नोलॉजी का, तो उसके बच्चों का भी प्लेसमेंट 100% है, बच्चे सब लगभग प्लेस हो जाते हैं। ऐसे फूड टेक्नोलॉजी है, जो इनोवेटिव हो सकता है वो हमने हमेशा करने की कोशिश की है। माइनिंग के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय में बहुत नए नए प्रयोग हो रहे हैं, आपको जैसे मैंने बताया उसी में हमारे यहाँ पे विश्वविद्यालय में एक गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन सेंटर है जो हिंदुस्तान का प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पहला है। ऐसे ही माइनिंग के क्षेत्र में किताबों की जो आवश्यकता है
उसको देखते हुए हमारे यहाँ पे विश्वविद्यालय में माइनिंग में अभी एक रिसेंट किताब हमने इंट्रोड्यूस की है, ये है माई इंट्रोडक्शन टू माइनिंग टेक्नोलॉजी। ऐसे बहुत सारी बुक्स जो हैं वो हम लोग पब्लिश करते हैं, मैनेजमेंट की है, कंप्यूटर साइंस की है, माइनिंग के क्षेत्र में है, जहाँ पर बहुत आवश्यकता है बच्चों को। और ये आपको एक बात बताते हुए गर्व होगा, मुझे अपने प्राउड फील होता है कि ये बुक्स जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एक बहुत उपलब्धि है कि आपकी बुक्स को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में रिफ़र किया जाए, इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट जी। सर आपका अगला लक्ष्य क्या है, आपका एम्बिशन क्या है? पहले आपने सॉफ्टवेयर का काम किया, फिर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, अब अगला लक्ष्य क्या है आपका? इस विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के तौर पर विकसित करना, ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य इस क्षेत्र को एजुकेशन के मामले में पूरे देश में एक अहम स्थान दिलाना, वह हमारा उद्देश्य है, ताकि पूरे हिंदुस्तान के बच्चे, विदेशों के बच्चे यहाँ आकर के पढ़ें, ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि हमारा लाइफ साइकिल ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल 20 साल, इससे ज़्यादा क्या होगा, जो एक्टिव लाइफ साइकिल है उससे ज़्यादा तो है नहीं। तो आने वाले समय में यह एक ऐसा एसेट्स इस क्षेत्र के लिए हो कि लोग गर्व से कह सकें कि नहीं, ये हमारा विश्वविद्यालय है, और उस दिशा में हमारा पूरा प्रयास है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने एमपी वॉच के लिए वक्त निकाला। ये थे AKS यूनिवर्सिटी के चेयरमैन इंजीनियर अनंत सोनी जी, जिन्होंने ये बताया यदि किसी भी स्टूडेंट को आगे बढ़ना है तो वर्क हार्ड करे, और जो भी काम करे मेहनत और लगन के साथ करे। आप यदि हमें YouTube चैनल पर देख रहे हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आप हमें Facebook और Instagram पर देख रहे हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक और बड़ी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।